हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आप बात करेंगे एक अपना एक्सरे ट्यूब का ही टॉपिक निकल के आ रहा है कंपोनेंट्स के अंदर, कैथोड का हॉट कैथोड एंड ओल्ड कैथोड, ये कोल्ड कैथोड ट्यूब क्या होती है। क्योंकि आप ये हर जगह देखते होंगे एक्सरे की फिजिक्स वगैरह स्टडी करेंगे, लेकिन कोल्ड और हॉट के बारे में आप बहुत ही कम ऐसे टॉपिक्स होंगे इन पर बात करते हैं। जैसे अभी स्टेशनरी रोटेटिंग पर आपको बहुत कम कंटेंट मिलेगा। तो आज गाइस आप बात करेंगे हॉट एंड कोल्ड कैथोड ट्यूब की। तो चलिएगा, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक को आप स्टार्ट करते हैं। ये अपने को कुछ इस तरह से इन्होंने डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखा है। अपने को ये कोल्ड ट्यूब इस तरह दिखेगी, देखिए गाइस इसके अंदर, एंड देन इसके अंदर ये फिलामेंट इस तरह दिखेगा हॉट के अंदर। देन ये कह रहे हैं कि एक्सरे है ट्यूब हैज टू इलेक्ट्रोड्स। ये तो अपने को पता है कि एक्सरे ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पहला कैथोड एंड सेकंड वन इज द एनोड। और जो कैथोड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पे हिट हो रहे हैं, एनोड पे, और एनोड पे हिट होने के बाद वहाँ अपनी रेडिएशन निकल रही है। और वहाँ क्या हो रहा है, 99% हीट और 1% क्या है अपनी एक्सरेज वहाँ प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ ये कंसेप्ट आ रहा है कैथोड। तो कैथोड को आप बोलते हैं ट्यूब का टारगेट है, और ये नेगेटिवली चार्ज है, और जिसके ऊपर क्या होती है थर्मोनिक इमिशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बनता है, और उसके पास फोकसिंग कप भी होगा, ठीक है। तो ये है कैथोड। तो अभी कैथोड्स को अपने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट वन इज द कोल्ड कैथोड ट्यूब एंड सेकंड वन इज द हॉट कैथोड ट्यूब। अभी देखते हैं गाइस कोल्ड कैथोड ट्यूब और हॉट कैथोड ट्यूब क्या होती है। जैसे एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम चल रही थी अपनी क्रूक्स ट्यूब, तो अपन क्रूक्स ट्यूब को ही बोलते हैं कोल्ड कैथोड ट्यूब या फिर गैस ट्यूब। जिस टाइम एक्सरे डिस्कवरी हुई थी पुराने टाइम में बोल सकते हैं, तो वो थी अपनी कोल्ड ट्यूब। सिंपली आपने क्रूक्स ट्यूब देखा होगा जी। देखिए गाइस, तो ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट हीटेड बाय फिलामेंट। इसके अंदर ये फिलामेंट को हीट नहीं किया जाता इसके अंदर। ये तो कोल्ड कैथोड ट्यूब है, इसको जैसे नॉर्मली उसमें क्या था, अपनी जो भी नॉर्मल नाउडेज एक्सरे के अंदर मशीन आ रही है उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, वहाँ सबसे पहले उसको एक अलग बैटरी से कैथोड को हीट कर रहे हैं, फिर वहाँ इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ तो नॉर्मल वोल्टेज दी जा रही है, उस नॉर्मल वोल्टेज से वो इतनी सफिशियंट है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज कर देगी। मतलब कि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज हो जाएंगे तो वहाँ एक्सरे सिंपली प्रोड्यूस हो जाएगी। देन कह रहे हैं कि ये जो एक्सरे डिपेंड करती है प्रोडक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट, जो उस जिस टाइम जो अपनी ये क्रूक्स ट्यूब है, क्रूक्स ट्यूब के अंदर कितनी गैस पड़ी है, कितना वहाँ कोलिजन वगैरह हो रहा है, तो उसके ऊपर अपना ये बेस रहेगा कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर एक्सरेज प्रोड्यूस होगी। इट मीन सिंपली बोल सकते हो एक्सरे प्रोडक्शन इसमें डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन गैस प्रेजेंट। देन कह रहे हैं कि अगर एमए चेंज किया गया, एक कंसेप्ट ये देखोगा जिसका डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, अगर एमए चेंज किया गया तो फिर ट्यूब को ही चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ इसको ये अपनी थी ना कोल्ड कैथोड ट्यूब बोल सकते हो, क्रूक्स ट्यूब या गैस ट्यूब, इसको चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे ही बोल सकते हो एमए चेंज हुआ, ये डिस्कार्ड कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये खराब हो जाएगी, या फिर बोल सकते हो इसकी क्वालिटी वगैरह वहीं फिनिश हो जाएगी। तो इसीलिए गाइस इसके अंदर ये इसका डिसएडवांटेज है। और साथ ही साथ में इसके अंदर एमएस और केवीपी को अपन अलग अलग सेट नहीं कर सकते। नॉर्मली जो भी अपने एक यूनिट होगी उस यूनिट के बेस पे ये फिर अपने को अलग अलग इमेज लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं फिर अपने को इमेज क्वालिटी के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कोल्ड कैथोड ट्यूब के अंदर। तो गाइस इस चीज़ को देखते हुए एक मिस्टर कुलिज साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को फिर आगे एक्सपेरिमेंट किया और एक नए एडवांसमेंट में ले गए, नए एक एडवांस चीज़ दी। तो वो है अपनी हॉट कैथोड ट्यूब, जिसको अपन क्या बोलते हैं गाइस कुलिज ट्यूब। तो मिस्टर कुलिज थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट थ्रू उसको डिफाइन किया था या फिर उसको मॉडिफाई किया था, और ये मॉडिफाइड वर्जन है कोल्ड कैथोड ट्यूब का ही। अगर आपसे पूछ ले कि हॉट कैथोड ट्यूब, तो बोल सकते हो एक मॉडिफाइड वर्जन है कोल्ड कैथोड ट्यूब का ही। और साथ ही साथ में इस कोल्ड कैथोड ट्यूब के अंदर जो अपना फिलामेंट है उसको अपन हीट देते हैं। पहले तो ये देखो गाइस, अपन उस फिलामेंट को हीट करेंगे, फिर अपन क्या कर रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एक्सचेंज करा रहे हैं वहाँ, मतलब एनर्जी एक्सचेंज मीन्स वहाँ करंट, एक्सटर्नल करंट और दे रहे हैं। लेकिन इसके जो अपना पहले वाली थी कोल्ड के अंदर ऐसा कंसेप्ट नहीं था, उसको बस एक ही टाइम में अपने को उसके अंदर ये करंट पास करते ही, जैसे करंट पास करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स अपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, इस जो अपना ये फिलामेंट है उसको अलग से हीट करना पड़ता है। जैसे ही फिलामेंट को हीट करेंगे थर्मोनिक इमिशन होगी वहाँ, और वहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बन जाएगा, और वो फिर किस पे टारगेट किया जाएगा, अपना एनोड पे, ठीक है गाइस। देन कह रहा है कि ये हीट बाय करंट ये चीज़ होगी, करंट से इसको अपन हीट करेंगे कोल्ड हॉट कैथोड ट्यूब को। देन ये वकम ट्यूब, और ये वकम ट्यूब होगी, इसके अंदर अपन गैस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वहाँ गैस होगी तो वहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रैक्शन हो जाएगा, कहीं स्पीड कम हो जाएगी, कहीं उनकी वेलोसिटी, या फिर बोल सकते जितनी स्पीड कम होगी उतनी फिर एक्सरे क्वालिटी क्वांटिटी निकल के आ रही, उस क्वांटिटी में फिर अपने को कमी देखने को मिलेगी। तो इसलिए बोल सकते हॉट कैथोड ट्यूब में आप क्या करें हैं, वकम ट्यूब का यूज़ करें। साथ ही साथ में अगर ये
एक प्रोटोटाइप है आज के टाइम में मॉडर्न एक्सरे मशीन का, आउट कटर ट्यूब। अगर नॉर्मली पूछा जाए कि आज के टाइम में जो एक्सरे मशीन आ रही है उनके अंदर कौन सी ट्यूब लगी, तो सिंपली आप बोल सकते हो कोल्ड कैथोड ट्यूब या कुलिस ट्यूब। और जो पुराने टाइम की बात की जाए तो उसके अंदर अपनी कौन सी ट्यूब थी, वो थी कोल्ड कैथोड ट्यूब एंड क्रूक्स ट्यूब या गैस ट्यूब जिसको आप बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना गाइस, आज आपने बात की हॉट और कैथोड ट्यूब की, जो कि कैथोड के पार्ट है, और कैथोड किसका पार्ट है, एक एक्सरे ट्यूब का इलेक्ट्रोड्स है। ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाके भी पूछ सकते हो। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।